आज हम लोग बात करेंगे टॉर्नेरिया लार्वा के बारे में। यह भी जो है बीएससी सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है जूलॉजी का कॉडेटा, उसका भी एक बड़ा महत्वपूर्ण यह जो है टॉपिक है टॉर्नेरिया लार्वा, जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लोगों के मन में यह जो है इच्छा हो रही होगी कि भाई ये टॉर्नेरिया लार्वा क्या है। तो टॉर्नेरिया लार्वा जो है यह बैलेनोग्लासस का लार्वा है। कोई पूछेगा कि बैलेनोग्लासस का जब रिप्रोडक्शन आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा टॉर्नेरिया लार्वा। तो बैलेनोग्लासस के लार्वा का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे, टॉर्नेरिया लार्वा। और आज इसी टॉर्नेरिया लार्वा की हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यही बताएंगे कि यह जो टॉर्नेरिया लार्वा है, यह टॉर्नेरिया लार्वा कि जब बैलेनोग्लासस का आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उस डेवलपमेंट के दौरान गैस्टुला से एक लार्वा बनता है बैलेनोग्लासस में, जिसका नाम है टॉर्नेरिया लार्वा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टॉर्नेरिया लार्वा जो है बैलेनोग्लासस का लार्वा है। और मुझको मालूम है कि टॉर्नेरिया लार्वा में इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है, और तब जाके यह जो है गैस्टुला से टॉर्नेरिया लार्वा का फॉर्मेशन होता। जब भी हम टॉर्नेरिया लार्वा की बात करेंगे, आप देख रहे हैं कि टॉर्नेरिया लार्वा की जो खोज है, इसको जे मूलर टॉर्नेरिया लार्वा की खोज और इसके मार्फोलॉजिकल डिटेल्स की जानकारी हमको जे मूलर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। हमने क्या बताया कि टॉर्नेरिया लार्वा को डिस्कवर और इसके बारे में जो मार्फोलॉजिकल डिटेल्स है, ये कौन दिया था, जे मूलर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और उन्होंने बताया कि यह टॉर्नेरिया लार्वा बैलेनोग्लासस का क्या है, लार्वा है। और आपको मालूम है कि लार्वा का निर्माण जिसमें होता है वह डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट माना जाता है। जब इतनी आप बात कर लेंगे तो आइए इस टॉर्नेरिया लार्वा के एक्सटर्नल मार्फोलॉजी का हम लोग डिस्क्रिप्शन करते हैं। यह बताना है कि टॉर्नेरिया जो लार्वा है यह ट्रांसपेरेंट होता है, यह ओवल और स्फेरिकल शेप का होता है। यह जो है टॉर्नेरिया लार्वा, यह जो ट्रांसपेरेंट है, यह ओवल या स्फेरिकल शेप का होता है। टॉर्नेरिया लार्वा जो है, टॉर्नेरिया लार्वा के वेंट्रल साइड पे एक ओपनिंग होती है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, माउथ। टॉर्नेरिया लार्वा के वेंट्रल साइड पे एक ओपनिंग हो रही है, जिसको हम लोग बोलेंगे माउथ। माउथ आगे चल के एक शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे ओसोफेगस। ओसोफेगस आगे चल के किसमें ओपन होगा, स्टमक में। स्टमक फिर किसमें ओपन होगा, इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन एक पोर के द्वारा बाहर खुलती है, जिसको क्या बोलेंगे, एनस। तो हमने क्या बताया कि यह जो बैलेनोग्लासस है, बैलेनोग्लासस के वेंट्रल साइड पे एक स्मॉल ओपनिंग हो रही है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, माउथ। माउथ आगे चल के कहाँ ओपन हो रहा है, ओसोफेगस। ओसोफेगस कहाँ ओपन हो रहा है, स्टमक। स्टमक कहाँ ओपन हो रहा है, इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन एक पोर के द्वारा बाहर ओपन हो रहा है, जिसको बोलेंगे एनस। अब जो है ये बताना है कि यह जो टॉर्नेरिया लार्वा है, टॉर्नेरिया लार्वा के इंटीरियर एंड पे जो है एक थिकनिंग होती है, तब जाके एपिकल प्लेट का क्या होता है, फॉर्मेशन। टॉर्नेरिया लार्वा के एपिकल एंड पे एक थिकनिंग है, तब जाके एपिकल प्लेट का क्या होता है, फॉर्मेशन। और एपिकल प्लेट के पास वन पेयर पिगमेंटेड क्या है, आई, और क्या है, एपिकल टॉप ऑफ सिलिया। या जो पिगमेंटेड आई हो या एपिकल टॉप ऑफ सिलिया हो, ये दोनों सेंसरी ऑर्गन की तरह, संवेदी अंग की तरह ये जो है फंक्शन करती है। जब इतनी आप बात बता लेंगे तो ये बताना है कि टॉर्नेरिया लार्वा की बॉडी पे दो सिलियरी क्या है, बॉन्ड।
एक को हम लोग बोलेंगे एंटीरियर सिलियरी बोन और दूसरे को बोलेंगे पोस्टीरियर सिलियरी बोन। जब हम एंटीरियर सिलियरी बोन की चर्चा करते हैं तो एंटीरियर जो सिलियरी बोन है या जो है फीडिंग में क्या करता है, याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमने क्या बताया कि टर्नेरिया लार्वा की बॉडी पे दो सिलियरी क्या है बोन, एक को बोलेंगे एंटीरियर सिलियरी बोन और दूसरे को बोलेंगे पोस्टीरियर सिलियरी बोन। तो एंटीरियर जो सिलियरी बोन है यह किसमें हेल्प करेंगे, फीडिंग में, जबकि यह जो पोस्टीरियर सिलियरी बोन है इसको हम टीलो टाच कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आता है टीलो टाच, तो ये बताएंगे कि टर्नेरिया लार्वा की बॉडी पे जो पोस्टीरियर सिलियरी बॉन्ड है उसी को बोलते हैं टीलो टाच, और टीलो टाच किसमें हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, किसमें हेल्प करेंगे लोकोमोशन में। अब यह जो है ये तो टर्नेरिया लार्वा का एक्सटर्नल मार्कोलॉजी हमने डिस्क्राइब कर दिया, और फिर टर्नेरिया लार्वा में जब यह टर्नेरिया लार्वा फीडिंग की क्रिया कर लेगा तो टर्नेरिया लार्वा में होगा क्या, मेटामार्कोसिस, और जब टर्नेरिया लार्वा में मेटामार्कोसिस की क्रिया होगी तब जाके यह जो टर्नेरिया लार्वा है अब यह जो है प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक में डिफरेंशिएट होकर यही टर्नेरिया लार्वा एक नए बेलेनोग्लासस का क्या कर लेगा फॉर्मेशन। तो इस तरीके से हम जो है टर्नेरिया लार्वा को बता सकेंगे। एक बार और संक्षेप में देखिए, हमने शुरू में ही आपसे बात किया कि टर्नेरिया लार्वा या जो है बेलेनोग्लासस का लार्वा है, जब बेलेनोग्लासस में आप रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो क्या होता है कि जो है फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, जायगोट में क्लीवेज हुआ तो मारुला बना, ब्लास्टुला बना, गैस्टुला बना, तो गैस्टुला से ही इस लार्वा का क्या हो रहा है निर्माण, जिसका नाम है टर्नेरिया लार्वा। और ये बात हमेशा याद रखिए कि जिसके डेवलपमेंट में लार्वा का निर्माण हो जाए वह डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट माना जाता है। यह जो टर्नेरिया लार्वा है या टर्नेरिया लार्वा को डिस्कवर कौन किया था, जे मूलन। इसकी अगर साइज देखें तो यह 3 सेंटीमीटर के करीब, 3 सेंटीमीटर के करीब यह टर्नेरिया लार्वा की साइज है। तो टर्नेरिया लार्वा को डिस्कवर और उसके मार्कोलॉजिकल डिटेल्स की जानकारी जे मूलर नामक साइंटिस्ट ने दिया। यह जो है लगभग 3 सेंटीमीटर के करीब होता है टर्नेरिया जो लार्वा है। टर्नेरिया लार्वा की बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है, ओवल या स्फेरिकल शेप की होती है। जब इतनी आप बात बता देंगे तो इसके वेंट्रल साइड पे एक ओपनिंग है जिसको माउथ, माउथ कहाँ ओपन होगा, ओसोफेगस, ओसोफेगस कहाँ, स्टमक, स्टमक का इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन एक पोर के द्वारा बाहर खुलेगा जिसको एनस। अब ये बताना है कि टर्नेरिया लार्वा के एपिकल एंड पे या टर्मिनल एंड पे इंटीरियर एंड पे थिकनिंग होती है जिसको एपिकल प्लेट कहते हैं। एपिकल प्लेट के पास वन पेयर जो है पिगमेंटेड आई और एपिकल टॉर्टा सिलिया, ये दोनों ऑर्गन कहीं कहीं सेंसरी ऑर्गन की तरह जो है कार्य करते हैं। इनकी बॉडी पे दो सिलियरी बॉन्ड है, एक का नाम है इंटीरियर सिलियरी बॉन्ड, दूसरे का नाम पोस्टीरियर सिलियरी बॉन्ड। पोस्टीरियर सिलियरी बॉन्ड को ही टीलो टाच कहते हैं। एंटीरियर सिलियरी बॉन्ड फीडिंग में हेल्प करता है, पोस्टीरियर सिलियरी बॉन्ड यानी टीलो टाच या लोकोमोशन में क्या करता है, हेल्प करता है। इस तरीके से हम टर्नेरिया लार्वा के एक्सटर्नल मार्कोलॉजी के बारे में बात करेंगे। फिर यह जो टर्नेरिया लार्वा है इसमें जब मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है तो यह टर्नेरिया लार्वा डेवलप करके एक नए जो है बेलेनोग्लासस का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरीके से बड़े आसानी से हम टर्नेरिया लार्वा को डिस्क्राइब कर सकेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।